ले लो, गली के ले लो, नाली के ले लो, एजुकेशन के ले लो, सब सामने हमारा एसएसपी ऑफिस है। और ये हमारा आप रोड महकमा देख लो, जहाँ हमारी कठुआ की कौंसिल देख लो, बातें बड़ी बड़ी करते हैं ये, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी इलेक्शन आ रहा है, आप कठुआ में एक चक्कर लगा के देखना, इतनी बदतर हालत है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये बातें किस बात पे करते हैं। अगर इनको काम करने नहीं आता फिर लोगों से वोट मांगने कैसे जाते हैं ये, कि हमें भाई वोट डालो, हम ये काम कर देंगे वो कर देंगे। आप कंडीशन देख रहे हो, अभी फिर से चुनाव आने वाले हैं कौंसिल के, कौंसिल है ना जितने भी जो बने हैं, जो बनने की बातें करते हैं, फिर वही चीज़ें सभी जनता जानती है वो कितने पानी में हैं और कितने वो ईमानदार हैं, कितने करप्टेड हैं, अपने घर बढ़ते हैं वो। उन्होंने खाली करप्शन का ठेका लिया हुआ है, डेवलपमेंट का नहीं लिया हुआ है। और हम नौजवान जी चाहते हैं, जो कठुआ की नौजवान अवाम है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम यही चाहते हैं कि जो भी इस बार कौंसिल में चुन के आए, मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा नौजवान आगे आना चाहिए, उन्होंने खुद अपने कठुआ की जिम्मेवारी उठानी चाहिए और अपने कठुआ को डेवलप करना चाहिए। कहूँगा कि इस चीज़ को ठीक करना चाहिए, रोड को ठीक करना चाहिए, क्योंकि कठुआ ये एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और यहाँ की सड़कों की जिस तरीके की हालत है तो ये बहुत ही निंदनीय है कि किस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग इसकी ओर सुध नहीं देता है। हमने पिछले दिनों में देखा, लड़के खुद कंक्रीट फिल कर रहे थे जो खड्डे भरने के लिए। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है पीडब्ल्यूडी विभाग की, ये ठीक नहीं है और हम चाहते हैं कि इस ओर ध्यान दिया जाए। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि हम 6 लेन बना रहे हैं, 8 लेन बना रहे हैं, लेकिन आम शहरी जिन सड़कों पर चलता है वो तो खड्डों से भरी हुई सड़कें हैं। अगर उद्योगपतियों के लिए 6 लेन बनानी है, उनके सफ़र कम करना है, उनको मुनाफा पहुंचाना है, तो वो एक अलग स्ट्रेटजी हो सकती है सरकारों की। लेकिन इस ओर देखा जाए, आम जनता जो कि इनको वोट दे के सत्ता में बिठाती है, उनको ये इस तरीके की सर्विसेज डिलीवर करते हैं तो हमारे टैक्स का जो पैसा है उसका कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि दुरुपयोग हो रहा है। जहाँ टैक्स के पैसे का उपयोग होना चाहिए वहाँ से शिफ्ट करके अपने उद्योगपतियों के लिए इस्तेमाल करना, ये नाइंसाफ़ी है आम जनता के साथ। विकास के मामले की बात है और अभी निकाय चुनावों की आपने बात की, तो लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व रहता है, निकाय चुनाव हैं या पंचायती चुनाव हैं या बाकी कोई भी चुनाव हो, लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरीके से वादे किए जाते हैं, जनता का नेताओं से आज की डेट में विश्वास उठ चुका है और लोग समझते हैं कि जो वादे किए जाते हैं, नेता वहीं पुल बनाने की बात करते हैं जहाँ कोई नदी नहीं होती है। तो इस तरीके के खोखले वादे सरकार मतलब जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं और मैं समझता हूँ कि बड़ी जो अविश्वास की स्थिति है वो पैदा हो गई है एक वोटर और नेता के बीच में। जीते जाना एक अलग विषय है, चुनाव जीतने के बाद 5 साल लोगों की सेवा करना वो एक दायित्व उनका बनता है और इस दायित्व को उन्हें निभाना चाहिए। इस बार भी हम उम्मीद करेंगे कि जो भी निकाय चुनावों में जो भी हिस्सा लें वो वही वादे करें जिनको ज़मीनी स्तर पर उतार सकें।